नमस्कार दोस्तों, स्वागत आज की एक और नई वीडियो में। तो अभी निकल पड़े जलंधर से और टाइम हो गया 8 का, सुबह के 8 बज गए हैं, क्योंकि बस निकलते निकलते आपको पता ही, जब रिलेटिव जाने नहीं देते तो निकलते निकलते 8 बज गए हैं। तो अभी आज कोई टारगेट नहीं अभी कहाँ तक पहुँचेंगे। वैसे जाना कि सलाह तो पठानकोट तक है, पर पठानकोट काफ़ी दूर पड़ जाएगा क्योंकि आज सुबह ही काफ़ी लेट हो गए हैं। अगर सुबह जल्दी चल पड़ते तो शायद पठानकोट पहुंच जाते, तो इसलिए बस अब तो चल पड़े हैं, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। और रास्ते में हमारी यात्रा में एक और बंदा जुड़ने वाला है, अगर वो रास्ते में टाइम पर आ गया तो आपको ज़रूर मिलवाएंगे और वो सरप्राइज है, क्योंकि वो भाई काफ़ी फेमस यूट्यूबर है, तो उनसे मिलाएंगे। वो भी साइकिल पर है, बात हुई थी कल, वो बोल रहे सुबह आ जाएंगे यहाँ, तो अभी उनका वेट करेंगे या मैसेज करते हैं, देखते हैं वो कहाँ का रिप्लाई करते हैं, अभी कहाँ पहुँच गए हैं। तो ठीक है, मिलते अब आगे जाकर वहाँ भाई के पास। तो ये आ गया जी पठानकोट चौक, यहाँ से लेफ्ट लेके पठानकोट की तरफ चलेंगे, तो अब आगे से लेफ्ट लेते हैं, यहाँ से लेते हैं जी लेफ्ट। ओहो, पहुँच गए जी कानपुर। ये यूपी वाला कानपुर नहीं है जी, ये है जी पंजाब वाला कानपुर, पठानकोट रोड पर आता है ये। तो अब कानपुर पहुँच के अब आगे चलते हैं। तो अभी मैं जलंधर से 14-15 किलोमीटर पठानकोट की तरफ आ गया हूँ और यहाँ थोड़ी देर रेस्ट कर लें। तो ये कोई यूनिवर्सिटी है, डीएवी यूनिवर्सिटी, ये देखिए ये डीएवी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बड़ा कैंपस है इसका, और ये जलंधर से 14-15 किलोमीटर आगे आगे पड़ता है। तो यहाँ थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर आगे चलेंगे पठानकोट की तरफ। तो अभी रास्ते में रुका था कि तरबूज वाले भाई, देख के तरबूज खाने का मन हुआ, तो अभी तरबूज लिया, वो काट कर खाते हैं। ये देखिए ये भाई, ये तरबूज ले, एक भाई इनका ये बैठा है छोटे भैया, एक वो सामने चक्कू लेने गए हैं, चक्कू नहीं है तो चक्कू लाकर ये खाते हैं और फिर आगे चलेंगे। मैंने बोला छोटा दे दो, पर छोटा इनके पास था नहीं, तो अब 2 किलो अकेले से खाया तो जाने का नहीं, बस जितना खाया जाएगा ठीक है, बाकी साथ में ले चलेंगे और फिर आगे जहाँ भूख वगैरह ली वहाँ खा लेंगे। तो ये यहाँ से लगभग जम्मू पठानकोट रह गया होगा 95 के करीब। तो अभी बस ये तरबूज खाते हैं और फिर चलेंगे आगे। साइकिल है भाई, साइकिल 8,000 के करीब की आई होगी। नमक भी है, है? बदे मैं अपने आप काट लूंगा, दे 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 दे, ये भी दे दे, वो क्या उसमें डब्बे में, ये कितने का हो गया, ये 20 का हो गया। यहीं रहते हो, कहाँ रहते हो तुम? कहाँ? जलंधर। पीछे कोई गांव है, कौन सा? संगर। अच्छा, तो कोई पीछे कोई गांव या शहर है? ठीक है, तो रे रोज यहाँ रोज है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो रोज यहाँ बता ये लगा लेते हैं, ठीक है। तुम ही रहते दोनों, बटा नहीं है कोई? पापा भी आते हैं, पापा ना आज ना ले। अच्छा अच्छा अच्छा, पापा भी आते हैं, चलो ठीक है। वहाँ तो आम टपकी लाओगे? अच्छा, कल सब कुछ लाओगे, आज आज तो यही है बस। क्या क्या आज आपके पास? तरबूज यही है, 2 चीजें बस यही है। चलो, वहाँ बैठने की जगह है, कुछ है रखने का नीचे? ये नीचे रख के खा सकते वहाँ? हाँ। ये नीचे रखना है वहाँ, ये दे दो, यहाँ रख दे, फिर चले। अच्छा, नीचे इसके तरबूज है,
नीचे क्यों रखा ये? अच्छा ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा वहाँ है ओए? ये नीचे रखा होता ठंडा होने के लिए ना, बाद में खाएंगे। तो ठीक है, अब इसको काटते हैं, खाते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर मिलेंगे आगे आपको। और ये पठानकोट रोड का नज़ारा, ये खेतों का, ये गन्ना लगा हुआ है और यहाँ आम के पेड़ पौधे ज़्यादा दिखे, मतलब पेड़ पौधे यहाँ से शुरू हो जाते हैं ज़्यादा खेतों में दिखाई देने, और आगे धीरे धीरे ठंडा इलाका शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, अब आते हैं, फिर चलते हैं। और ये बच्चे देखिए कहाँ चढ़े हुए हैं, और ये यहाँ इन्होंने लगा रखा है अपना तरबूज और खरबूजे बेचने का जगह। तो ठीक है, चलते हैं अब आगे, और ये तरबूज खाते हैं। तो ये दोस्तों अब काट रहे हैं, और भैया के सारे तरबूज नीचे आ गए हैं, ये अब काट कर खाते हैं। प्यास भी कम लगेगी और लगेगी, और गर्म, ओहो ये तो एक तो गया, पर इसको रहने दो। तो एक और काटते हैं, इससे प्यास भी कम लगेगी और गर्मी भी थोड़ी कम होगी, है ना? खाते हैं, अच्छा मीठा। ये जी पठानकोट एक्सप्रेस गई है, ये आ गया जी काला बकरा, वो सामने साइन बोर्ड लगा हुआ है रेलवे लाइन पर, काला बकरा। तो काला बकरा पहुंच गया, अब चले जा रहे हैं आराम आराम से, पहुंच जाएंगे शाम तक जहां तक पहुंचेंगे। तो आगे जाकर फिर 4-5 बजे डिसाइड करेंगे कि कहां तक पहुंचना है। तो अभी है जी काला बकरा। तो ये एक पचरंगा गांव आ गया, पचरंगा से याद है, पचरंगा अचार होता है, पचरंगा अचार काफ़ी मशहूर है। तो उसी नाम से यहां पर पठानकोट रोड पर गांव है, और ये बैंक है केंद्र में। तो अभी पहुंचे जी पचरंगा, अब आगे चलते हैं। तो अभी ना एक मनी भाई का सब्सक्राइबर था लुधियाने से, उससे मिलने के लिए ना यहाँ पर बाइक पर आया हुआ था, उसको ढूंढते ढूंढते वो जलंधर से यहाँ तक पहुँच गया, और मेरी साइकिल खड़ी देख के उसने सोचा मनी भाई है, और आकर मिलने लगे। तो फिर पूछने लगे भैया मनी भाई से मिलने आया था और आपसे मुलाकात होगी। तो मैंने बोला भाई मनी भाई तो पीछे ही है, वो बोले रास्ते में मिले तो नहीं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा भाई रास्ते में वापसी मिलेंगे, तो भैया मिलकर अभी थोड़ी देर में गए हैं। तो काफ़ी देखो कितना मतलब लगाव होता है लोगों को, एक प्यार ही होता है एक दूसरे के लिए। लुधियाना से यहाँ पर पठानकोट रोड पर कितनी दूर है, और सुबह से चले हैं वो, और अभी वापस गए हैं। आई होप के मनी भाई उनको मिल जाए और भाई की तपस्या पूरी हो जाए जो इतनी दूर गर्मी में आए हैं। तो ठीक है, चलते हैं बाकी। अभी पठानकोट यहाँ से क्या पता कितनी दूर रह गया यार, अब तो आगे जाके हिसाब लगाएंगे, हिसाब लगाते लगाते मैथमेटिक्स का टीचर बन जाएंगे ऐसे। तो ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अभी भोगपुर पहुंच चुके हैं, और यहाँ से पठानकोट लगभग होगा 80 के करीब। तो चलिए इतना भी काफ़ी किलोमीटर निकल रहे हैं, लगभग आ गया होगा 25-30 किलोमीटर तो जलंधर से आ गया होगा लगभग, इतना तो कर दिया होगा क्योंकि लेट चला था आज काफ़ी। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से जम्मू रह गया जी 185 और श्रीनगर 490। तो अभी तो काफ़ी पड़ा है, तो पठानकोट 85 के करीब है, पठानकोट तो पहुंचा नहीं जाएगा, अगर हो सका पहुंच भी जाएंगे आराम से चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो देखते हैं फिर कहाँ रुकते हैं, रास्ते में जाकर जहाँ भी रुकेंगे सब आपको बताएंगे। तो अभी चलोंग करके गांव है, कोई शहर वो क्रॉस किया है, और टांडा यहाँ से 7 किलोमीटर है, और ये एक टोल प्लाजा है ये चलोंग से निकल के। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक
शायद आज मुकेरिया तक पहुंच जाए, मुकेरिया तक पहुंचने की सलाह है। तो दिखा बताएंगे आगे जैसा भी होगा, जहां तक पहुंचेंगे। पीछे मणि भाई आ रहा है, क्या पता कहां मिलेंगे अब आगे जाके। ठीक है, आगे मिलते हैं, टोल क्रॉस करके आगे कहीं आराम करेंगे, पानी वगैरह पिएंगे। तो यहाँ ना एक बीटा स्टोर है, वहां से ये दही ली है, ये 10-20 रुपए की दही है। और पानी अपने पास आई था, तो पानी अपने पास था। और ये जो हमारे रिलेटिव के पास रहा था ना जलंधर में, उन्होंने परोठे बना के दिए थे, तो अब वो परोठे खाते हैं दही के साथ। फिर मिलते हैं आपको आगे, यहाँ बैठ के खाएंगे। तो टांडा अभी यहाँ से 6 या 7 किलोमीटर रह गया, और ये रेलवे लाइन साथ में होने के कारण ना पठानकोट की तरफ जाते हैं ये, तो इस तरह ना कोई पंप आ रहा है ना कोई ढाबा आ रहा है। तो परली साइड एक ढाबा है, वहां से पानी भर के ले आते हैं, प्यास काफी लगी है। आगे क्या पता कहाँ तक पंप ना आए और ये रेलवे लाइन साथ साथ चलती रहे, तो पानी ले के आते हैं उस ढाबे से, फिर आगे चलते हैं। तो ये रास्ते में एक मेला लगा हुआ है, छोटा सा दरबार है, और यहाँ पंजाबी गायक दुर्गा रंगीला आए हुए हैं। नजदीक जाकर तो नहीं दिखा सकते क्योंकि टाइम काफी लग जाएगा, और आपको यहीं दूर से दिखाते हैं। पंडाल वगैरह लगा हुआ है, और वो सामने। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह आ सकता है। तो टांडा पहुंच गए जी, यहाँ से एक नीचे से सर्विस रोड है, और ये ऊपर एक ब्रिज है। सर्विस रोड से जाएंगे, ब्रिज से तो हालत खराब हो जाती है। तो ये टांडा पहुंच गए, अब यहाँ से मुकेरियाँ रह गया, लगभग 30 के करीब रह गया, या 1-2 किलोमीटर ऊपर या नीचे, बस इतना ही रह गया। और ये देखो 50 पार रखा है। ये टांडा पहुंच गया, अब मुकेरियाँ भी धीरे धीरे आ जाएगा। तो चलते हैं, गर्मी काफ़ी हो गई है इस टाइम, तो लगभग 41 डिग्री टेम्परेचर होगा, और दोपहर 3 बजे तक तो बिल्कुल सिरे पर होगा, चाहे रोटी पका लो, सड़क पर इतनी गर्म हो जाती है। पर हम चलते रहते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, 10-15 मिनट, ज़्यादा देर नहीं आराम करेंगे। ज़्यादा देर आराम करने से फिर दोबारा सफ़र करने को मन नहीं करता, तो चलते चलते सफ़र निकल जाता धीरे धीरे करते, 1-2 किलोमीटर करते हुए। तो ठीक है, अब चलते आगे की तरफ, मुकेरियाँ की साइड। तो ये फिर रस्ते में मुड़का नाम की जगह है कोई, यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है, काफ़ी मशहूर गुरुद्वारा कहली साहब। तो यहाँ मुड़का के बस स्टैंड पे खड़े हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो सोच रहे हैं थोड़ा रेस्ट करके फिर ही चलें। अभी मुकेरिया रह गया 28 किलोमीटर, तो 28 किलोमीटर आराम से निकाल देंगे शाम तक, तो आराम से चलेंगे। तो अभी यहाँ बैठते 10-15 मिनट, और फिर जब थोड़ा ठंडा मौसम हो जाएगा फिर चलेंगे आगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ रुके थे, ये कोई बड्डा गब्बोवाल नाम की जगह है। चलो उसका दिखा दिखी है, यहाँ से लेमन पीते हैं फिर आगे चलेंगे। ये देखिए लेमन बना रहे भैया, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने बोला नींबू अच्छा सा डाल देना। तो ठीक है, अब लेमन पी के फिर आगे चलते हैं। इस रूट पर ना जलंधर पठानकोट रूट पर ट्रक बहुत ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि इधर आगे से पहाड़ी इलाका होने के कारण वहाँ बजरी रेता और कोरसेंट वगैरह सारा इधर से आता है। ये देखिए एक ट्रक भरा हुआ खड़ा है, और कुछ एक पीछे खड़ा है, और आए जा रहे हैं जाए जा रहे हैं, लगभग सभी में यही ये रेता बजरी कोरसेंट यही भरा हुआ आ रहा है। और काफ़ी ज़्यादा है यहाँ, काफ़ी ज़्यादा चहलकदमी इन ट्रकों की, आते जाते मतलब इतने ज़्यादा कि मैंने अभी तक कहीं नहीं देखे। तो वजह यही है कि इधर से बजरी कोरसेंट रेता वगैरह आता है। तो अभी दसूहा पहुंचने वाले हैं, रह गया होगा 3-4 किलोमीटर रह गया होगा दसूहा यहाँ से, तो अब आपको दसूहा जाके मिलेंगे, और दसूहा के बाद फिर आगे मुकेरियाँ थोड़ा ही रह जाएगा। तो दोस्तों दसूहा में एंटर कर रहे हैं, इस ऊपर आपको साइन बोर्ड दिख रहा होगा, इसमें मुकेरियाँ 16 किलोमीटर दिखा रहा है, गुरदासपुर 40 और पठानकोट 56 किलोमीटर।
मुकेरियां 16 दिखाता रहा पर मेरे को इन पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जो नेट पे दिखाते हैं ना मैप पर वही सही होता है, ये 1-2 किलोमीटर कम दिखाते हैं हौसले के लिए, शायद यही होता होगा, क्योंकि जब मैं मैप पर चेक करता हूँ ना तो थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है। तो दुसुआ पहुँच गए हैं, अब आपको सीधा मुकेरियाँ जाके मिलेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो मुकेरियाँ जाके मिलेंगे। अब ये आप दुसुआ देख लो, ये कैसा एरिया दुसुआ का, और ये छोटा सा अड्डा है दुसुआ में एंटर करने से पहले, और ये सामने एक बोर्ड लगा हुआ छोटा सा और आधा फटा हुआ, बस सुआ सुआ रह गया, दह कटे गए दह दह सुआ सुआ रह गया दुसुआ। ये देखना आपको नज़दीक से दिखाएंगे, ये बोर्ड है जी, सुआ रह गया जी सुआ। तो ठीक है जी, ये दुसुआ अब क्रॉस करते हैं, अब रुकेंगे नहीं, कम ही रुकेंगे, 16 दिखा रहा है ये तो मैप पर होगा 17-18 के करीब, तो मुकेरिया जाकर ही मिलेंगे कि कहाँ रुकते हैं, सब आपको बताएंगे जाकर। तो दोस्तों जैसे जैसे मुकेरिया के नज़दीक आ रहे हैं ना, तो ये पहाड़ियों के नज़दीक आने का नज़ारा दिखने लग गया, चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे, और पीछे से थोड़े थोड़े पहाड़ दिखाई देने लग गए थे, तो मतलब ठंडा एरिया है, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ने लग गया पीछे गर्मी से, जैसे हरियाणा शायद तब गर्मी ज़्यादा थी, पंजाब में ज़्यादा थी, अब जैसे जैसे इधर आ रहा हूँ अब इस टाइम बिल्कुल ठंडक है यहाँ, क्यों पेड़ पौधे बहुत हैं, और आगे जाकर देखते हैं कि और कितना ठंडा है। तो जम्मू 160 है, श्रीनगर 459 किलोमीटर। तो ठीक है अब आगे चलते हैं, ये खरबूजों की गाड़ी भरी हुई आगे जा रही है कहीं, तो ये नज़ारा देखिए आप एरिया का, इतनी ठंडक है, काफ़ी ठंडक ज़्यादा है यहाँ पर, मज़ा आ गया यहाँ पहुँचकर। अब आगे आगे शायद ऐसी ठंडक होती जाएगी और मज़े आते जाएंगे, और आपको भी दिखाते चलेंगे सारा एरिया। तो देखिए यहाँ नीचे पानी है, नीचे पानी खड़ा हुआ है, नहीं तो कहीं तक अभी तक सब सूखा पड़ा था। तो ये है जी पहाड़ों में जाने का नज़ारा, अभी पठानकोट जम्मू सब दिखाएंगे आपको, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेह लद्दाख की यात्रा, देखना कितने बड़े बड़े पेड़ हैं ऊंचे ऊंचे, और ठंडक वाकई है यहाँ, अब आराम आया थोड़ा सा गर्मी से। तो चलिए अब चलते हैं मुकेरिया जाकर मिलते हैं। ये आर्मी का कोई कैंप वगैरह है, 18 FDAMP DEP, ये बटालियन का नाम है, मिलिट्री स्टेशन ऊंची बसी, तो ये ऊंची बसी आ गया शायद, और ये सारा मिलिट्री एरिया है इधर से लेके आगे तक, और वो आगे काफ़ी लंबा मिलिट्री एरिया है, और ये साथ में जंगल छोटे छोटे शुरू हो गए हैं, और ठंडा एरिया है काफ़ी, मतलब हरियाणा पंजाब से काफ़ी ठंडक ज़्यादा है। तो अब जाकर आगे मुकेरिया मिलेंगे। ये मुकेरिया पहुंचने से ना पहले एक छोटी सी ना नदी है, पोंग लेफ्ट कैनल ऐसे कुछ नाम है इसका, तो काफ़ी तेज बहाव है इसका और पानी भी काफ़ी साफ सुथरा है। तो ये यहाँ का मौसम है जी, आप एरिया चेक करो मुकेरिया से पहले, तो कितना डिफरेंस आ गया है हरियाणा पंजाब से, अब मतलब है तो पंजाब ही पर उस एरिए से गर्मी वाले से इस एरिए में काफ़ी फर्क है, ये चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई देंगे। तो ठीक है तो अब आगे जाकर मुकेरिया स्टे करेंगे, और जो हमारा ट्रैवल पार्टनर है वो पीछे रह गया, वो कल को मिलवाएंगे, सरप्राइज है कि कौन है वो। तो ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं। तो जी दोस्तों पहुंच गए मुकेरिया, और यहाँ गुरुद्वारे में रूम मिल गया था, तो आज यहीं रुकेंगे, और अब थक गए हैं काफ़ी, अब नहाएंगे धोएंगे और खाना खा के रेस्ट करेंगे। तो आज की वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रूम है अपना, और ये साइकिल भी मैंने अंदर ही कर ली थी। तो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक।